गुजरात टाइटंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स स्टार्ट आईपीएल के नेक्स्ट मैच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और गाइस जैसा हमारा कल का मैच गया था गाइस, कोशिश करूंगा कि ये वाला मैच भी आपके लिए मैं जैकपॉट बनाऊंगा। देखो भाई आईपीएल के ना ज्यादा मैचेस बचे नहीं है, देखो भाई 30-40 मैच है। देखो हमें ग्रैंड लीग को विन करना है। अब देखो ग्रैंड लीग को विन करने के लिए आपको देखो भाई ज्यादा रिस्क नहीं लेना, देखो आपको ना छोटी छोटी सेफ टीम में आपको देखो थोड़ा थोड़ा रिस्क लेना है, ठीक है। जैसा कि आपका जो मैच जो हमारा गया था कल का मैच, देखो वो आपके लिए एक एग्जाम्पल है कि भाई आपको सेफ टीम के साथ अगर आप एक दो चेंजेस करते हो अपनी 3-4 टीमों में तो आप देखो आसानी से ग्रैंड लीग विन कर लोगे, ठीक है। बाकी दोस्तों फिलहाल ये मुकाबला आपका अहमदाबाद के गाइस 3 नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा, यानी कि दोस्तों ये मैच गुजरात के होम ग्राउंड में खेला जाने वाला है। दोस्तों जब लास्ट मैच गुजरात होम ग्राउंड में खेलने आए थे तो भाई वहां पर पंजाब किंग्स ने इन्हें हराया था। और देखो एक बात ध्यान रखना गाइस, देखो चेजिंग टीम हमेशा से विन करती है, देखो उनके पास मार्जिन रहता है, क्योंकि गाइस देखो सेकंड इनिंग में क्या है कि ड्यू आती है। देखो भाई ड्यू का फैक्टर ना आपको सारे ग्राउंड में देखने को मिलेगा, चाहे आप वानखेड़े जाओ या फिर आप बेंगलुरु चले जाओ या फिर गाइस आप यहाँ पर कोलकाता चले जाओ। देखो भाई वहां पर क्या है कि चेजिंग ग्राउंड रहती है, भाई वहां पर ड्यू आते हैं, गाइस चेजिंग टीम हमेशा से मैच में आगे रहती है। तो अगर आप अपनी टीम खुद से बनाना चाहते हो मेरे भाई, देखो गुजरात के या फिर दिल्ली के फेवर में नहीं, आप भाई देखो चेजिंग टीम के फेवर में आप अपनी टीम बनाना, ठीक है। बाकी दोस्तों देखो वीडियो में आपके लिए बहुत सारे गिवे भी है, तो भाई मेरे वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना, और भाई आपका प्यार सपोर्ट मिलता है तो हमें बहुत बहुत अच्छा लगता है भाई। क्योंकि यार हम यार आपके लिए ना पैसे अर्न करने के लिए भाई वीडियो क्रिएट नहीं करते भाई, आपके लिए देखो भाई अगर आपका सपोर्ट मिलता नहीं है तो भाई देखो वीडियो बनाने का कोई फायदा नहीं है। तो भाई आप मेरे भाई वीडियो को एक लाइक कर दो और भाई मेरे वीडियो को आप लास्ट तक, ठीक है। देखो पहली बात, अगर आपने अभी तक विजन एलेवन एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया गाइस, देखो ये केवल नए यूजर्स के लिए है, ठीक है। भाई मेरे विजन एलेवन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो भाई, यहाँ पर आपके लिए धमाका ऑफर है पूरे आईपीएल में। देखो आप जैसे ही यहाँ पर डाउनलोड करते हो, ठीक है गाइस, आपको यहाँ पर 100 रुपए का रियल कैश मिलेगा। भाई मैं कैश बोनस की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर गाइस रियल कैश की बात करूँ गाइस। देखो जिस कैश का यूज करके आप किसी भी कॉन्टेस्ट को आप आसानी से 100% आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप हमारा कोड FCT अगर आप यूज करते हो तो आपको 500 रुपए का कैश बोनस मिलेगा, जिस बोनस का यूज आप देखो किसी भी कॉन्टेस्ट में आपका देखो 5% 10% आपको हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो भाई वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाकर सिंपली यहाँ पर आप विजन एलेवन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है भाई। देखो उसके अलावा यहाँ पर देखो पूरे आईपीएल के सारे मैचेस में यहाँ पर आपको गिव अवे देखने को मिलेगा। तो अगर आपके गाइस जेब में 1 रुपए भी नहीं है भाई तो आप यहाँ पर खेलकर आप काफी अच्छी खासी अर्निंग आप कर सकते हो। इसके अलावा गाइस यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट लेदर बोर्ड भी देखने को मिलेगा, अगर गाइस आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा रहता है तो आप देखो भाई आपको यहाँ से भी आप प्राइस अर्न कर सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों उससे पहले भाई मेरे फाइनल टीम और फाइनल अपडेट के लिए गाइस आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा, आपको गाइस हमसे जुड़ना होगा, ठीक है। जुड़ने के लिए गाइस आपको कुछ नहीं करना, सिंपली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पर आपको बिल्कुल ऊपर में फ्रंट पे आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा भाई, जाओ जाकर जल्दी से ज्वाइन करो। मेरी आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको मैं सब कुछ टॉस के बाद में अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर देता हूँ, तो भाई मेरे जुड़ना मत भूलना, ठीक है। बात करें गाइस यहाँ की पिच रिपोर्ट क्या रहती है, और भाई देखो पिच के रिपोर्ट के बेस पे गाइस हमारी इस मैच में टीम बनने वाली है, ठीक है। देखो भाई यार ये मैच है ना यहाँ पर होगा अहमदाबाद में, देखो भाई अहमदाबाद की जो बाउंड्री होती है ना, देखो भाई काफी बड़ी बाउंड्री है, मतलब देखो ज्यादा छोटी बाउंड्री नहीं होती है, देखो ठीक ठाक बाउंड्री होती है वहाँ की, ठीक है। बैटिंग पीस रहेगी भाई, और गाइस यहाँ पर असिस्ट करना फास्टर बॉलर को मिलता है। लास्ट अगर मैं 3 मैच की बात करूँ तो गाइस यहाँ पर फास्टर बॉलर ने 26 विकेट और स्पिनर के हाथ में यहाँ पर 10 विकेट आए, तो भाई देखो कहीं ना कहीं यहाँ पर फास्टर के लिए देखो भाई मार्जिन थोड़ा सा पिच से ज्यादा है। और गाइस देखो यहाँ पर फास्टर बॉलर आपको फर्स्ट इनिंग में विकेट ले कर देंगे और सेकंड इनिंग में आपके लिए स्पिनर कामयाब बॉलर रहता है, तो भाई सेकंड इनिंग में आप नूर अहमद राशिद खान जैसे बॉलर को जरूर ट्राई करना। इसके अलावा अगर मैं वेन्यू की बात करूँ तो गाइस देखो वेन्यू पर टोटल 30 मुकाबला खेला गया है, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने 14 बार और बैटिंग सेकंड यानी कि रन को चेज करने वाली टीम ने यहाँ पर 16 बार मुकाबले को विन किया। देखो भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर जो चेजिंग टीम रहती है वो देखो हमेशा से थोड़ा सा आगे ही रहती है, ठीक है। बाकी भाई देखो यहाँ की एवरेज स्कोर 170-180 के बीच में रहेगा गाइस, यहाँ पर अगर ज्यादा रन बनेगा तो भाई देखो 190 तक जा सकते हैं, बाकी दोस्तों ज्यादा स्कोर नहीं जाएगा। तो गाइस एक बार ध्यान रखना आपके टीम में बैट्समैन जो बैट्समैन इनफॉर्म प्लेयर हो, लाइक गिल हो गया, सुदर्शन हो गया, उसके अलावा वार्नर हो गया, गाइस देखो ऐसे ऐसे प्लेयर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन रहने वाले इस विकेट के लिए, ठीक है। बात करें दोस्तों जो इस वेन्यू पर जो लास्ट का 3 मैच खेला गया, देखो भाई जो लास्ट के 3 मैच हुए ना, 3 मैच में से यहाँ पर 2 मैच को रन को चेज करते हुए टीम ही मैच को विन किया गई, केवल एक ही मैच यहाँ पर डिफेंस करते हुए टीम ने मुकाबले को विन किया। तो भाई एक बार ध्यान रखना, यहाँ पर आपको चेजिंग टीम को फेवर करना है, अगर आप अपनी खुद से टीम आप क्रिएट कर रहे हो बना रहे हो तो भाई मेरे चेजिंग करने वाली टीम के फेवर में आप अपनी टीम बनाना। बाकी देखो भाई यहाँ पर रन भाई बहुत बनते हैं, मतलब 160-170-180 तक की भाई यहाँ पर हाँ है, और गाइस आपके टीम में जो इनफॉर्म प्लेयर हो ना देखो आप उन्हीं को ट्राई करना। बाकी दोस्तों बॉलर में बॉलिंग ऑप्शन में आप छोटा आप देखो रिस्क ले चल सकते हो, ठीक है।
बाकी दोस्तों बात करें यहाँ पर दोनों टीमों की हाइट वेट रिकॉर्ड क्या है, दोनों टीमों का रिसेंट फॉर्म क्या है, तो देखो भाई रिसेंट फॉर्म के मामले में दोनों टीमें लगभग लगभग सेम है। ठीक है, देखो गुजरात टोटल 6 मैच खेलिए, 6 मैच में से 3 मैच विन की है, 3 मैच हारी है। वहीं दोस्तों दिल्ली की बात करूँ तो गाइस ये भी टोटल 6 मैच खेलिए, 6 मैच में से 2 मैच विन की है और गाइस 4 मैच ये हारी है। ठीक है, अब दोस्तों लास्ट 4 मैच की बात करूँ तो भाई देखो लास्ट 4 मैच जो है देखो दोनों टीमों का बिल्कुल सेम गया है। लास्ट 4 में से गुजरात 2 मैच विन की है, 2 ही मैच इनको हार का सामना करना पड़ा है और गाइस देखो दिल्ली के लिए भी लास्ट 4 मैच में से 2 मैच जीती है और गाइस देखो 2 में इनको हार का सामना करना पड़ा है। तो भाई ऐसी बिल्कुल बात नहीं है कि भाई एक टीम स्ट्रॉन्ग है एक टीम वीक है, भाई देखो दोनों टीम बिल्कुल इक्वल इक्वल है। ठीक है, बाकी गाइस बात करें यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड की, भाई देखो दोनों टीमों के बीच 3 मैच मुकाबले खेले गए हैं जिसमें से गुजरात 2 बार और दिल्ली कैपिटल्स ने यहाँ पर 1 बार मुकाबले को विन किया। तो भाई देखो दोनों टीमों के बीच लगभग लगभग क्वालिटी बहुत ज्यादा है, ऐसा नहीं कि भाई गुजरात काफी स्ट्रॉन्ग टीम है दिल्ली काफी वीक, भाई दोनों टीम में भाई देखो काफी सिमिलरिटी है। ठीक है, तो अगर आप अपनी टीम बना रहे हो तो भाई टॉस के बेस पे अपनी टीम आप क्रिएट करना। ठीक है, बाकी गाइस बात करें यहाँ पर दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, क्या कुछ चेंजेस होने वाला है, तो देखो मुझे नहीं लगता भाई गुजरात टाइटंस कोई भी चेंजेस करने वाली, भाई अपनी सेम प्लेइंग 11 के साथ इस मैच में खेलेगी और आई थिंक इस मैच में आपके लिए ट्रम्प कार्ड प्लेयर विजय शंकर हो सकता है। तो भाई मेरे विजय शंकर के ऊपर थोड़ा सा आप रिस्क खेल सकते हो। बाकी दोस्तों फिलहाल के लिए शुभमन गिल और साई सुदर्शन आपको ओपनिंग करते हुए दिखाई देंगे। देखो भाई दोनों प्लेयर इस वेन्यू के लिए गाइस काफी परफेक्ट आपके लिए एग्जांपल है। देखो भाई दोनों का जो एवरेज है ना इस वेन्यू के लिए भाई काफी अच्छा खासा रहता है, तो गाइस आपके टीम में दोनों प्लेयर होने चाहिए। नंबर 3 पर विजय शंकर और गाइस नंबर 4 पर अभिनव मनोरम। देखो गाइस ये दोनों प्लेयर हैं ऐसे हैं, देखो भाई विजय शंकर को बैक टू बैक टीम मौका दे रही है बट गाइस देखो इनके बल्ले से अभी तक बड़ा स्कोर नहीं आया। तो भाई देखो प्लेयर का क्या है माइंड में चलता है कि भाई मैं बड़ा स्कोर करके दूंगा। गाइस इस मैच में आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई विजय शंकर अगर फर्स्ट इनिंग में गुजरात टाइटंस बैटिंग करती है तो भाई विजय शंकर के बल्ले से बड़ा स्कोर आ सकता है। तो भाई आपके लिए ग्रैंड लीग काफी अच्छा ऑप्शन रहेगा। बाकी दोस्तों अभिनव मनोहर गाइस आपके लिए ग्रैंड लीग में भी और स्मॉल लीग में भी, भाई देखो दोनों लीग में आपके लिए रिस्की ऑप्शन है, तो आप इन्हें थोड़ा सा चाहो तो ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, पर 5 पर विकेट कीपर बैट्समैन मैथ्यू वेड और गाइस देखो इनका सिलेक्शन ड्रीम 11 पे 20 से 30% के आसपास रहेगा। दोस्तों मेरा ऐसा मानना है कि भाई इनका सिलेक्शन 20 से 30% के आसपास ही रहेगा और गाइस इस मैच में आपके लिए काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। अगर आप स्मॉल लीग खेलो तो आप जरूर ट्राई करना। बाकी दोस्तों आपको अपनी ग्रैंड लीग की टीम में भी आपको इन्हें लेना है। ठीक है, मैथ्यू वेड है आपको ये विकेट कीपिंग से भी आपको ये कैच आउट का स्टंप देगा, पॉइंट देगा और भाई ये प्लेयर ऐसा है कि अगर इन्हें 10-15 बॉल खेलने को मिल जाए तो भाई ये बड़ा बड़ा स्कोर भी आपको करके देगा। तो भाई ये प्लेयर आपके लिए बहुत ही बढ़िया पिक रहने वाला है। इसके अलावा गाइस राहुल तेवतिया, अब देखो भाई राहुल तेवतिया ऐसा प्लेयर है जो कि भाई अपने टीम को ना फिनिश टच भाई ये रेगुलर देता है। मतलब तो भाई ये बंदा ऐसा है कि भाई इन्हें 100 मैच खिला लो, 100 मैच में से भाई 85 मैच जा सकेगा कि भाई अपने टीम के लिए विनिंग टच देगा। बट दोस्तों देखो इनकी बैटिंग लाइनअप थोड़ी सी नीची है और गाइस देखो अपनी टीम के लिए तो भाई काफी अच्छा प्लेयर है बट देखो हमारी टीम में गाइस ये प्लेयर एडजस्ट नहीं होगा। ठीक है, इनके गाइस हम चाहे तो गाइस देखो एक एक्स्ट्रा बॉलर भी ले जा सकते हैं। तो भाई ये प्लेयर आपके लिए मैं फिर से बोलूंगा ठीक ठाक ऑप्शन है। इसके अलावा गाइस बॉलिंग ऑप्शन की बात करूं तो भाई राशिद खान राइट हैंड बैटिंग करता है, लेग स्पिनर बॉलर भी है, लास्ट मैच का हीरो था, 24 रन प्लस में 1 विकेट। बाकी गाइस इनका आप हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू का रिकॉर्ड भी देख सकते हो, काफी शानदार रिकॉर्ड है आपकी टीम का। गाइस परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। इसके अलावा स्पेंसर जॉनसन, लास्ट दोस्तों 2 मैच में गाइस इनके खाते में विकेट नहीं है, तो भाई देखो बहुत सारे लोग कहेंगे इन्हें ड्रॉप करने वाले, भाई देखो ड्रॉप करने वाला प्लेयर नहीं है ये, आपको डेथ के ओवर में बॉलिंग करके देगा। और अगर गुजरात टाइटंस की टीम फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करती है तो फिर आपके लिए स्पेंसर जॉनसन काफी परफेक्ट ऑप्शन। ठीक है, इसके अलावा भाई नूर अहमद, अब देखो भाई नूर अहमद और स्पेंसर जॉनसन में से आपको कैसे कैसे प्लेयर को सेलेक्ट करना है। देखो अगर गुजरात टाइटंस फर्स्ट इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो फिर आपके लिए स्पेंसर जॉनसन और अगर सेकंड इनिंग में बॉलिंग करते हैं तो फिर आपके लिए नूर अहमद। देखो भाई नूर अहमद का अगर आप रिकॉर्ड देखोगे ना भाई, देखो सेकंड इनिंग में ये बंदा विकेट नहीं, सेकंड इनिंग के लिए काफी परफेक्ट ऑप्शन है। वेन्यू पर इन्होंने 9 मैच में टोटल 10 विकेट निकाला, तो भाई प्लेयर काफी ठीक है। इसके अलावा उमेश यादव भाई थोड़ा सा मैं बोलूंगा रिस्की ऑप्शन है, हालांकि ये बैक टू बैक सारे मैच में विकेट निकाल रहा है बट देखो फिर से मैं बोल रहा हूँ ये प्लेयर फिर से आपके लिए मैं बोलूंगा रिस्की ऑप्शन है। पावर प्ले में बॉलिंग करने आता है, देखो पावर प्ले में भाई इनकी पिटाई बहुत होगी, फिर आपके लिए भाई मोहित शर्मा काफी परफेक्ट आपके लिए ऑप्शन रहेगा। पावर प्ले डेथ ओवर में दोनों में आपको ये बॉलिंग और भाई देखो ये गुजरात का मेन बॉलर है। ठीक है, बाकी दोस्तों अगर हम यहाँ पर बॉलिंग ऑप्शन की बात करूँ तो भाई देखो गुजरात टाइटंस की ओर से आपको स्टार्टिंग और उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन और आपको राशिद खान पहले 6 ओवर में दिखेंगे, यानी कि पहले पावर प्ले में। देखो भाई राशिद खान का यूज ना कभी कभी पावर प्ले में या फिर कभी कभी पीच के ओवर में किया जाता है। ठीक है, बाकी दोस्तों डैश ओवर में 1 ओवर राशिद खान करेगा, 1 ओवर मोहित शर्मा करेगा, फिर आपको स्पेंसर जॉनसन। अगर गुजरात टाइटंस की टीम पहले इनिंग में बॉलिंग करती है तो फिर आपके लिए स्पेंसर जॉनसन काफी अच्छा एग्जांपल रहने वाला है। ठीक है, भाई ये तो बात होगी गुजरात टाइटंस की टीम की। भाई गाइस यहां पर बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की, भाई दिल्ली कैपिटल्स में क्या कुछ चेंजेस होने वाले हैं। तो भाई देखो इन्होंने लास्ट मैच में भाई देखो बहुत सारा चेंजेस किया था, मतलब क्या चेंज हुआ था भाई, साई होप को खिलाया गया था, इसके अलावा जैक फ्रेसर मार्ग्रू को भी खिलाया गया था, उसके अलावा दोस्तों गाइस इनके टीम में मुकेश शर्मा और कुलदीप यादव की वापसी हुई थी। मतलब गाइस देखो बिल्कुल परफेक्ट इन्होंने जो चेंजेस किया था भाई, वो इन्होंने चेंजेस के बेस पे कल मतलब इन्होंने पहला मैच इन्होंने भाई विन भी किया, तो भाई देखो काफी मुझे टीम अच्छी दिखी। ठीक है,
भाई इनकी टीम की ओर से क्या है कि आपको ओपनिंग में ना गाइस यहाँ पर पृथ्वी शो और डेविड वार्नर। अब देखो यहाँ से राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ दोनों प्लेयर ओपनिंग करने तो आएंगे। अब देखो वार्नर आपके लिए हमेशा से सेफ ऑप्शन रहता है, चाहे ये स्कोर करे या फिर ना करे तो आप इनको ड्रॉप नहीं करोगे, क्योंकि यार ये ऐसा प्लेयर है कि ये क्या है कि क्रीज पे थोड़ा सा टाइम देता है, और देखो ये जब तक क्रीज पे रहता है भाई ये रन आपको बनाकर देगा। काफी गाइस देखो अच्छा ऑप्शन है, हालांकि अगर आप इनका वैन का रिकॉर्ड देखते हो तो भाई एक मैच में 2 रन है, तो देखो यार थोड़ा सा क्या है कि ये ट्रेवल करता है गुजरात के सामने और देखो गुजरात के पिच पे, तो अगर आप देखो फिर से रिस्क लेना चाहते हो तो आप देखो वार्नर को ड्रॉप करना। बाकी देखो पृथ्वी शो आपके लिए मैं बोलूंगा भाई सेफ ऑप्शन है, वैन पर 3 मैच में 142 रन लगभग 50 का एवरेज है, कहीं आपके लिए काफी अच्छे ऑप्शन आएंगे दोनों प्लेयर। अगर आपको रिस्क लेना है तो आप देखो वार्नर को ड्रॉप करके चल सकते हो। इसके अलावा साई होप, देखो भाई साई होप दिल्ली के साइड से ग्रैंडली के लिए अच्छा ऑप्शन है भाई। देखो ये वैसे तो T20 वाला प्लेयर नहीं है, बट देखो मौका आने पर ये गाइस वैसा गेम खेल लेता है, तो गाइस आपके लिए मैं फिर से बोलूंगा ग्रैंडली भाई अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा ऋषभ पंत विकेट कीपर बैट्समैन टीम का कैप्टन भाई, देखो बैक टू बैक गाइस इनके भी बल्ले से रन आने स्टार्ट हो गए, लास्ट मैच में मैच में भी गाइस इन्होंने बहुमूल्य भाई इंपॉर्टेंट इन्होंने गाइस 41 रन बनाया था गाइस, काफी अच्छा ऑप्शन है। वेन पर भी इन्होंने 3 मैच खेला है, 3 मैच में गाइस इन्होंने 88, काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला है। इसके अलावा गाइस क्रिस्टिना स्टब्स, देखो भाई क्रिस्टिना स्टब्स के लिए ये हेड टू हेड के लिए भाई देखो टीम नहीं है, मतलब गुजरात नहीं है, और गाइस देखो इनका वेन्यू भी नया है, तो गाइस प्लेयर क्या है कि थोड़ा सा मतलब क्या है कि माइंडली थोड़ा सा कहना सेट नहीं होता, और आपके लिए गाइस देखो ये फिर से मैं बोलूंगा इस मैच में भी ये बंदा फ्लॉप रहेगा। अगर आपको ट्राई करना हो तो आप इनके प्लेस पे जैक फ्रेसर मैग्रू को आप देखो ट्राई कर लें। इसके अलावा गाइस अक्षर पटेल गाइस बापू का ये होम ग्राउंड रहेगा, वैसे ये दिल्ली के लिए खेलता है बट दोस्तों इनका होम ग्राउंड रात ही है। लास्ट मैच में गाइस देखो इनकी बैटिंग नहीं आई थी और गाइस इन्होंने खाते में इनके विकेट भी नहीं आए थे, बट दोस्तों बॉलर आपके लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। वेन पर इन्होंने 4 मैच में टोटल 5 विकेट लिया है, काफी शानदार ऑप्शन है, लेफ्ट हैंड बैटिंग करता है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और आपकी टीम में होने। इसके अलावा गाइस देखो जैक फ्रेसर मैग्रू, देखो भाई इन्होंने लास्ट मैच में इन्होंने 50 लगाया था डेब्यू किया, तो भाई देखो डेब्यू पे इन्होंने 50 लगाया था, काफी बढ़िया इनकी बैटिंग मुझे लगी, और अब तो आपकी टीम में ना ट्रिक्सनर स्टब्स और इनके बीच में अगर आप ट्राई करना चाहो तो आप गाइस इन्हें आप ले सकते हो, जैक फ्रेसर मैग्रू को गाइस काफी बढ़िया हार्ड हिटिंग है। इसके अलावा गाइस ईशांत शर्मा, देखो ईशांत शर्मा के लिए सिम्बॉलिक के लिए उतना सही एग्जांपल नहीं है, वैन पर इन्होंने 4 मैच में 3 विकेट लिया है, लास्ट मुकाबले में इन्हें 1 विकेट मिला है, बट दोस्तों गाइस थोड़ी सी हो जाती है ठीक है। इसके अलावा दोस्तों गाइस यहां पर अगर आपको लेना है तो आप यहां पर गाइस कुलदीप यादव और खलील अहमद को लेना। देखो कुलदीप यादव ने पिछले मैच खेला था, पिछले मैच में इन्होंने भाई 3 विकेट निकाला, काफी शानदार था विकेट, और देखो भाई इनका अगर आप वेन्यू का रिकॉर्ड देखते हो भाई 1 मैच में 1 विकेट, इकोनॉमी भाई देखो काफी कम इनकी इकोनॉमी रहती है, मतलब गाइस को क्या है ना ये थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड कर देता है, तो गाइस आपके लिए दोनों प्लेयर अच्छे ऑप्शन रहेंगे। खलील अहमद आपको डेथ स्क्वाड में बॉलिंग करते हुए दिखाऊंगा, लास्ट 4-5 मैच का फॉर्म देख लो भाई, एक ऐसा मैच सिंगल मैच ऐसा नहीं गया जिस मैच में इस बंदे ने विकेट ना निकाला हो, काफी अच्छा ऑप्शन है। हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आपके सामने है, 3 मैच में 5 विकेट भाई काफी बढ़िया ऑप्शन रहने वाला। और गाइस इसके अलावा मुकेश कुमार, गाइस देखो इसका क्या है ना कि 2 मैच में नहीं चलता है, 1 मैच में चलता है, फिर ये 2 मैच में फिर ये इनका क्या है कि थोड़ा सा डाउन जाता है, फिर 2 मैच में चलता है, तो भाई इनका थोड़ा सा ऐसा ही रहा है। बाकी वेन पर इन्होंने 3 मुकाबले में 2 विकेट लिए हैं और हेड टू हेड रिकॉर्ड भी आपके सामने, तो भाई देखो ये प्लेयर एक एवरेज प्लेयर है, ट्राई करना चाहो तो आप अपनी टीम ठीक है। बाकी गाइस यहाँ पर अगर मैं बॉलिंग ऑप्शन की बात करूँ तो देखो भाई यहाँ पर क्या है ना कि जो स्टार्टिंग ओवर रहता है इसमें आपको खलील अहमद दिखेंगे, ईशांत शर्मा दिखेगा, गाइस मुकेश कुमार दिखने पहले पावर प्ले में पहले छोर को, यहाँ पर कहेगी नोके तो भाई देखो खेलने वाला नहीं है, तो भाई देखो इनके प्लेस पे आप यहाँ पर खलील अहमद को आप ऐड कर सकते हो ठीक। फिर गाइस यहाँ पर खलील अहमद और ईशांत शर्मा के साथ मुकेश कुमार आपको डेथ स्कोर में बॉलिंग करता हुआ दिखाई वाला है, तो भाई देखो ये जो प्लेयर है ना वो यहाँ पर गाइस हो गया खलील अहमद हो गया कुलदीप यादव हो गया मुकेश कुमार, दोस्तों ये फिर आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे दिल्ली कैपिटल्स के साइड से ठीक है। बाकी मेरे भाई फाइनल टीम की बात करूँ उससे पहले भाई मेरे फाइनल टीम के लिए आपको हमारा टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन करना होगा, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल ज्वाइन नहीं किया, अगर आप हमसे जुड़े नहीं हो तो भाई डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओ, बिल्कुल टॉप पे आपको हमारा चैनल का लिंक मिलेगा भाई, जाकर ज्वाइन कर लो। मेरी आपको फाइनल टीम फाइनल अपडेट आपको मैं सब कुछ अपने टेलीग्राम के चैनल पर मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो भाई जाओ जाकर ठीक है। बाकी भाई देखो ये मेरी फाइनल टीम नहीं है, ये मेरी प्री फाइनल टीम है। बाकी दोस्तों फाइनल टीम की बात करने से पहले भाई आपके लिए गिवे का ठीक है, गिवे में आपको कैसे पार्टिसिपेट करना है पहले आप ये सुनो। देखो भाई आपको कुछ भी नहीं करना, अगर आपने भाई एंड तक वीडियो को देखा है तो भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद ठीक है। आपको भाई वीडियो को लाइक करना है, चैनल को अगर आपने अभी तक नए हो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आ सके ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपको गिवे विन करने के लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है और गाइस को आपको कमेंट सेक्शन में जाकर आपको एक अपना प्यारा सा कमेंट ड्रॉप करना है, जिस भी भाइयों के कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक आएगा दोस्तों टॉप 5 विनर को गाइस हमारे द्वारा उन्हें प्राइज रूम में डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाएगी। तो भाई मेरे जाओ जाकर जल्दी से कमेंट करो भाई, अपना प्यारा प्यारा कमेंट करना, ड्रॉप जरूर करना और हमारी वीडियो को थोड़ा सा भाई सपोर्ट करो भाई, वीडियो को यार शेयर करो अपने दोस्तों तक भाई इस वीडियो को जरूर से ठीक है। बाकी भाई देखो अभी के लिए ये मेरी ना प्री फाइनल टीम है, प्री फाइनल टीम का मतलब क्या है कि इसमें देखो चेंजेस मैं करूंगा। अब देखो चेंजेस क्या है, देखो इस मैच में मेरे लिए भाई मेथू बेट काफी अच्छे
दिख रहे हैं। तो गाइस अभी के लिए मैंने मैथ्यू वेट को नहीं लिया, क्योंकि भाई देखो ये मेरी बिल्कुल सेफ टीम है। देखो अगर आपको मैथ्यू वेट को लेना है तो अगर आप यहाँ पर स्पेंसर जोसन के प्लेस पे आप यहाँ पर मैथ्यू वेट को ले सकते हैं। इसके अलावा कैप्टन तो भाई देखो मेरा यहाँ पर सुमन रहेगा। देखो बीसी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा रिस्की ऑप्शन आपके पास अक्षर पटेल भी है। देखो अक्षर पटेल का यार ये वैसे होम ग्राउंड है, वैसे ये दिल्ली के लिए खेलता है, बट दोस्तों इनका अहमदाबाद होम ग्राउंड है। तो अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर देखो होम बॉय को आप देखो सपोर्ट करो, आप यहाँ पर अक्षय पटेल को भी आप देखो बीसी ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा गाइस ऑप्शन आपके पास राशिद खान का भी है, खलील अहमद का भी है, तो आप चाहो तो आप इनके साथ भी आप देखो जा सकते हो। ठीक है, आगे गाइस फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ गाइस आई होप आप सभी भाइयों को वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई वीडियो को आप यार लाइक करो, भाई आपका सपोर्ट यार हमारे लिए गाइस काफी महत्व रखता है, भाई काफी इंपॉर्टेंट रहता है भाई आपका सपोर्ट। ठीक है भाई, मेरे वीडियो को लाइक करो भाई, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए आपसे भाई को हमारी ओर से बेस्ट ऑफ लक।